एक लड़का यहाँ पतौरा का था बेचारा, वो रात में अंधेरे में देख नहीं पाया, पुल से गुजर रहा था और जो है उसमें गिर गया और पत्थर पर सर पड़ा, वहीं मर गया। उसका जो है खून भी वहाँ पड़ा मिला, गमछा और जूता भी मिला। इस तरह से वहाँ इतना जानलेवा है। और विभागीय उपेक्षा यह है कि जो उसमें सूचना संबंधी बोर्ड लगना चाहिए, उन्होंने बोर्ड भी नहीं लगाया कि जनता जान सके कि कई रुपया काम है, कौन सा काम है, कितना लंबा कितना चौड़ा। और सबसे बड़ी बात यह प्रशासकीय जो विभाग की कमी है वो यह है कि उन्होंने पुल का जो ऊंचाई बनाया, ऊंचाई कम बनाई, बरसात में 10 फीट ऊपर पानी बह रहा था, पर नाव चलती थी। दूसरी बात, जितना नाले की चौड़ाई ये पुल की लंबाई उससे कम होने के नाते वो और टूटा जा रहा है। बगल बगल में विंग वॉल दिया जाता है, विंग वॉल नहीं दिया गया। पुल की गुणवत्ता अत्यंत घटिया, सड़क की गुणवत्ता अत्यंत घटिया और फटती जा रही है। अभी उसमें आप देखेंगे फोटो में लगा हुआ है, वो सड़क फटती जा रही है। प्रधान जी आप भी बताओ जो क्या स्थिति है। थोड़ा गमछा और जूता भी मिला। इस तरह से वहाँ इतना जानलेवा है। और विभागीय उपेक्षा यह है कि जो उसमें सूचना संबंधी बोर्ड लगना चाहिए, उन्होंने बोर्ड भी नहीं लगाया कि जनता जान सके कि कई रुपया काम है, कौन सा काम है, कितना लंबा कितना चौड़ा। और सबसे बड़ी बात यह प्रशासकीय जो विभाग की कमी है वो यह है कि उन्होंने पुल का जो ऊंचाई बनाया, ऊंचाई कम बनाई, बरसात में 10 फीट ऊपर पानी बह रहा था, पर नाव चलती थी। दूसरी बात, जितना नाले की चौड़ाई ये पुल की लंबाई उससे कम होने के नाते वो और टूटा जा रहा है। बगल बगल में विंग वॉल दिया जाता है, विंग वॉल नहीं दिया गया। पुल की गुणवत्ता अत्यंत घटिया, सड़क की गुणवत्ता अत्यंत घटिया और फटती जा रही है। अभी उसमें आप देखेंगे फोटो में लगा हुआ है, वो सड़क फटती जा रही है। प्रधान जी आप भी बताओ जो क्या स्थिति है। थोड़ा ये अभी मैं जनपद में आ रहा था 20 तारीख को, तो कोई एक प्रजापति जी हैं, अजय कुमार प्रजापति, तो सोशल मीडिया पर उन्होंने टिकरौली मार्ग जो है, यहाँ से महोबा रोड से टिकरौली, उस पर एक पुल बना हुआ है और प्रयोग रोड है, पूरी सड़क बनी हुई है। उन्होंने बड़ी मेहनत करके बेचारे ने पूरा वीडियोग्राफी की और उसका जो रिपोर्ट उसमें डाला, तो सड़क पूरी तरह बह गई थी। पुलिया भी, पुलिया का पुल है वो बह गया था। तो फिर हम जब यहाँ आए पार्टी कार्यालय में, समाजवादी पार्टी कार्यालय में, प्रधान जी टिकरौली, श्री अक्षय कुमार उस भवाली, अन्य लोग भी सब मिले, उसे पार्टी के शक्ति का करता हूँ। हमने पूछा कि भाई क्या बात है, यहाँ कुछ ऐसा है? तो फिर हम लोगों ने कार्यक्रम बनाया। आज के दो दिन पहले मैं वहाँ गया और अपनी पूरी टीम के साथ गया। वहाँ पर देखा यह गया कि वो सड़क पूरी तरह से, जो अप्रोच सड़क थी वो तो बह ही गई थी और पुल भी कई जगह से क्षतिग्रस्त हो गया था। जो रिटेनिंग वाल बगल बगल बनी थी वो कमज़ोर हो और पिचिंग सही न होने के कारण रिटेनिंग वाल पूरी तरह ध्वस्त हो गई और सड़क फटती जा रही है। ये फोटोग्राफ के साथ हमने भी जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है और हम एक्सीएन से उसी दिन बात किए कि भाई एक्सीएन साहब ये काम ठीक नहीं है। लेकिन वो बताने लगे कि हाँ साहब मेरे समय का नहीं। मैंने कहा ऐसा नहीं होता है, किसी के समय का है, जो अधिकारी रहा है दायित्व बनता है, फिर आपकी जिम्मेदारी बनती है, इसको कैसे ठीक कराएंगे। सबसे बड़ी बात, वो सड़क 3 साल में बनी और 3 साल बनने के बाद अब जब जाकर तैयार होती है, बरसात के 6 महीना, मतलब बरसात शुरू होने के पहले 6 महीना वो नहीं चली सड़क और सड़क ध्वस्त हो गई। अब वहाँ गाड़ियों का आना जाना और 20 से 30 गांव से आवागमन है। वहाँ के लोगों ने बताया, ये तंजू सिंह है, ये भारतीय किसान यूनियन भानु ग्रुप के हैं, ये लोग भी सब रहे और वहाँ टिकरौली के सारे निवासी रहे, सबका नाम, क्योंकि वहाँ पे आवागमन जो है तो पूरी तरह बाधित होता चला जा रहा है। और बरसात हुई थी, अभी बाढ़ आई थी, बाढ़ के समय में सारा पुल सारे किनारे किनारे पूरा बह गया है। वहाँ पे अगर जरा सा धोखा बढ़ जाएगा लोग नीचे चले जाएंगे, कोई भी हादसे होते रहते हैं और प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा है, ना कोई वहाँ पर काम कर रहा है। और कम से कम 25-30 गाँव का आवागमन बराबर लगा रहता है। स्कूल की बसें जाती हैं तो धीरे धीरे करके 25 मिनट में वहाँ निकल पाती है, कोई हादसा हो जाए तो बच्चों।
लोगों ने टिकरौली मार्ग में जो पुलिया बनी हुई थी वो क्षतिग्रस्त हो गई है। काम लगभग 3 साल चला और 3 महीने भी नहीं टिकी है। रोड पूरी फट चुकी है, रिटेनिंग वाल टूट चुकी है और पुलिया क्षतिग्रस्त है और आवागमन में काफ़ी बाधा उत्पन्न होती है। किसी भी समय कोई भी दुर्घटना घटित हो सकती है। इसी को हम लोगों ने डीएम साहब को भारतीय किसान यूनियन भानु के तरफ से ज्ञापन सौंपा है।